के वीडियो को बनाने से पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज यूट्यूब के हिस्ट्री में पहली बार JBL STX 800 का डुअल 15 इंच का ओरिजिनल पेयर मैं आपके लिए अनबॉक्स करने वाला हूं। साथ ही इसे टेस्ट भी करेंगे और लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैंने पूरा यूट्यूब सर्च मारा है, किसी ने आज तक हिंदी रिव्यू JBL STX 800 के बारे में आज तक नहीं किया है, तो हम लोग फर्स्ट है गाइस। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति को मैंने दिया है ये पेयर, वो काफी एक अच्छे व्यक्ति हैं। इन्हें मैंने दो पेयर दिए हैं, तो ये एक पेयर के लिए XP 5000 फ्रॉम फोनिक यूज करने वाले हैं। इनके पास डायनाकॉर्ड का मिक्सर है और 12 KVA का स्टूडियो मास्टर का स्टेबलाइजर रहेगा। तो लाइव डेमो हम शायद यहां न कर पाएंगे, आउटडोर में करेंगे, लेकिन तैयार रहिए इसके लिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज JBL STX 800 सीरीज। दिस इज प्रोफेशनल JBL, ओरिजिनल JBL। दिस इज बाय हरमन। आप देख ही सकते हैं इसे, ये एक बहुत ही जबरदस्त स्पीकर बॉक्स है। आप देख सकते हैं, दिस इज डिजाइंड इन US एंड मेड इन मैक्सिको। और इसका मॉडल नंबर है STX 825 लाउड स्पीकर। इस पर हालांकि एक बारकोड भी आता है, जो कंपनी का स्पेशल बारकोड होता है। उसके अलावा मैं इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज STX 800 सीरीज। इस पर सब लिखा हुआ है कि हैंडल विथ केयर वगैरह वगैरह। और इसके साथ इसका थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें क्वांटिटी 1 है। इसका 60 kg वेट है विद बॉक्स, और विदाउट बॉक्स ये 51 kg कुछ होता है। विद बॉक्स इसका हाइट होता है 44.25 और विदाउट बॉक्स ये लगभग 3.5 feet का होता है। इसके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बारकोड दिया हुआ है और यहाँ एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। अब इसको हम लोग पहले अनबॉक्स कर लेंगे, अनबॉक्स के बाद आप इस बॉक्स को देख सकते हैं। चलिए अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, दिस इज बीइंग अनबॉक्स्ड। क्योंकि ये पहले से हमने खोल के रखा हुआ था, तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि बॉक्स के अंदर ही कैसा दिखेगा। देखिए देखिए देखिए, ये बॉक्स पूरा आ चुका है आपके सामने। सो गाइस, दिस हैपेंस टू बी JBL STX 825 डुअल 15 इंच ओरिजिनल JBL पेयर। अभी मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखाने वाला हूं। देखिए, ये इसका सामने से ग्रिल होता है। ये क्योंकि डुअल 15 इंच है, तो ये वुडन बॉक्स बनता है। इसका ग्रिल होता है सामने से, यहाँ JBL लिखा हुआ है। और इस बॉक्स का वेट अप्रोक्सीमेटली 51 kg है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको एलन की नट बोल्ट्स के थ्रू फिट किया गया है और एक कमाल का फिनिशिंग दिया गया है इस बॉक्स पे, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके हैंडल की अगर मैं बात करूँ, तो हैंडल पे भी STX सीरीज़ दिया हुआ है। ये फाइबर हैंडल होता है। और बॉक्स का जो क्लोज लुक है, उसमें आप देख सकते हैं कि बॉक्स एक दूसरे के ऊपर बैठने के बाद ये जो पैटर्न दिया गया है, तो इससे वो बॉक्स हिलेंगे नहीं जब आप इसको DJ के बेल्ट बांधेंगे तब। यहाँ पे भी एलन की नट बोल्ट दिया हुआ है। ये पीछे की साइड है इसकी, यहाँ जनरली सब कुछ लिखा होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये मेड इन मैक्सिको है, डिजाइंड इन USA है, और JBL STX 800 इसका मॉडल नंबर है। ये 1600 वॉट्स का एक बॉक्स होता है। इसके अंदर 2 15 inch के स्पीकर होते हैं, जो कि नियोडाइम वाले स्पीकर होते हैं, यानी विदाउट मैग्नेट वाले या लाइटवेट मैग्नेट वाले जिसको बोल सकते हैं। इसीलिए 51 kg में ही ये बहुत धमाकेदार बजता है। सो गाइस, क्लोज लुक तो आपने देख लिया। ये आज हम लोग डिलीवरी देने में लेट हो गए थे, इसलिए मैं अभी रात में सबको डिलीवरी दे रहा हूं इन बॉक्सेस की। तो इसका लाइव डेमो मैं आपको कल दिखाऊंगा सर ही के प्रोग्राम में। सर का एक ऑर्केस्ट्रा का बहुत अच्छा काम चलता है, तो उनके इसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप कल के प्रोग्राम में उनके देख सकते हैं। बिसाइड इसके कि इस बॉक्स की हाइट 3.5 feet है, और इसके बारे में मैं ये बताना भूल गया था। तीसरी बात यह है कि सर का रिक्रूटमेंट चल रहा है, वो अपने ऑर्केस्ट्रा के लिए कुछ नए टैलेंट की भी खोज कर रहे हैं,
तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको सर का ईमेल आईडी भी दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिंगिंग में या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने में। सो क्योंकि महंगे स्पीकर बॉक्सेस के साथ हम लोग कवर जनरली साथ में सप्लाई करते हैं, तो इसको पहले कवर लगा लेते हैं, बाद में आराम से टेस्ट करेंगे। तो चलिए आउटडोर्स में चलते हैं और टेस्ट करते हैं इसको। विक्की भैया जो कि यूट्यूब चैनल से है और यहाँ पे उनका तहे दिल से हम ऑर्केस्ट्रा स्वर झंकार की तरफ से स्वागत करते हैं। या ठिकाणी पुनः एक अतिशय गाजलेलं सुंदरस हिंदी गीत आमच्या खास तरुण मित्र मंडळीसाठी सादर करतो आहे। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिला ही नजर मजा आ गया। नक्कीच हा जो शुभ विवाह गजरात परिवार तथा वंजारे परिवार वती हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। सो गाइस मैं इसमें आवाज की बात करूंगा क्योंकि ये JBL का पेयर माइक से लगभग 10 फीट के डिस्टेंस पे था, उसके बावजूद भी माइक ने इतना सुपर काम किया कि एक सिंगल विसल नहीं आती है वहां पे। और दूसरी बात, वहां साउंड को मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊं, लेकिन ये था कि मुझे ट्रबल भी काफी अच्छा मिल रहा था, मिड काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा था, बेस का मुझे एक्स्ट्रा कोई 18 इंच के सबवूफर्स लगाने का काम नहीं पड़ा। और सबसे अच्छी बात कि हम जब लोग वहां पहुंचे तो आउटडोर में लगभग हम लोग 100 मीटर यानी लगभग 300-350 फीट दूर खड़े थे, लेकिन मुझे वहां पे भी उस साउंड की क्लियरिटी बहुत जबरदस्त आ रही थी। तो यानी आप देख सकते हैं कि JBL का इम्पैक्ट काफी बड़े एरिया पे पड़ता है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लॉन्ग थ्रो के लिए कौन से स्पीकर लगाने चाहिए, तो उसका आंसर अब आप शायद खुद ही सोच सकते हैं। आने से उसके आए बाहर।